हाँ कल वाला ही पढ़ाएंगे। ये आपका गैसीय स्टेट, लिक्विड और सॉलिड तीन है। अब आपको दिखाएंगे हम कि इसे कैसे वाइब्रेट करते हैं। ये आपके गैसीय स्टेट के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और ये लिक्विड है और सॉलिड है। तो स्ट्रक्चर जैसा दिखाई दे रहा है कि ये बहुत क्लोज है, ये थोड़ा से दूर है और ये सबसे दूर है। अब ये कैसे वाइब्रेट करते हैं ये देखेंगे लोग। दिखाई दे रहा है? तो मोमेंटम ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स जो इसके गैस के तो बहुत ज़्यादा है। हाँ, गैस के जो पार्टिकल्स हैं फ्री टू मूव, मतलब ये मूव करने के लिए क्या है, स्वतंत्र है, ठीक है। और इनका क्या है, ये आपके सॉलिड में क्या है, फिक्स पोजीशन पर है और वाइब्रेट अपनी मीन पोजीशन पे ही कर रहे हैं। तो सॉलिड में क्या होता है, डिफिनिट शेप और डिफिनिट वॉल्यूम होता है और रिजिडिटी होती है, ठीक है। तो वी ऑलवेज क्लासीफाई द मैटर इन टू थ्री कैटेगरीज, पहला क्या आपका सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। बट वेदर ए सब्सटेंस विल एग्जिस्ट एज ए सॉलिड और लिक्विड और गैस, दैट डिपेंड्स ऑन दियर नेट इफेक्ट ऑफ टू मेन अपोजिंग फैक्टर। पहला क्या आपका है, इंटरनल अट्रैक्टिव फोर्स और सेकंड आपका थर्मल एनर्जी, ठीक है। तो पहला हम बात करेंगे इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। तो ये पार्टिकल देखो एक दूसरे के तरफ अट्रैक्शन फोर्स से खींच रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो ये जब फोर्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो रहा है तो ये पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज आ गए, तो ये सॉलिड फॉर्म में हो गया, ठीक है। अब दूसरा आपका थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी क्या करता है इसको समझिए। थर्मल एनर्जी द एनर्जी पॉसिबल बाय द कंस्टिट्यूट पार्टिकल ड्यू टू द टेम्परेचर। तो अब देखिए जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे इस के पार्टिकल जो होंगे उनके मोमेंट मतलब उनकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। देखते रहिए, देखो टेम्परेचर, हाँ टेम्परेचर बढ़ाने पे इनकी वेलोसिटी तेज हो रही है। जब टेम्परेचर फुल हो जाएगा तो ये बहुत तेज मूव करने लगेंगे, हाँ एकदम हाई हो जाएगा। तो जैसे टेम्परेचर इसको समझिए, जब टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है तब क्या होता है, तो टेम्परेचर हाई का मतलब कि हम किसी भी गैस को किस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, आयंस में। तो जब जैसे ही गैस आयंस में बदलती है तो प्लाज्मा स्टेज होता है, प्लाज्मा नहीं आयंस आयंस वर्क होता है, ठीक है। चलिए अच्छा अगला, अब देखिए ये जो आपको पिंक कलर से दिखाए गए हैं ये क्या है, आपके पार्टिकल्स हैं और ये आपकी थर्मल एनर्जी है। इनको हम थर्मल एनर्जी डिक्रीज कर रहे हैं तो इनकी वेलोसिटी क्या हुई है, रुक गई, मतलब आप धीरे धीरे जैसे एनर्जी कम करेंगे ये आपकी स्टेट चेंज होने लगेगी, चेंज हो रही है ना। चलिए अच्छा, अब इसके बाद अब थर्मल एनर्जी और को डिक्रीज करेंगे, जैसे थर्मल एनर्जी डिक्रीज करेंगे आपके पार्टिकल अब एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं। तो जैसे ही क्लोज आएंगे तो यह लिक्विड स्टेट से किस में हो जाएगा, सॉलिड स्टेट में। तो ये आपका देखिए सॉलिड हो गया, ये क्लस्टर हो गया, क्रिस्टलाइन हो गया, ठीक है, समझ आ रहा है। चलिए अच्छा, अब इसके बाद हम बात करेंगे कि हाँ ये अपने ही मीन पोजिशन पर वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद करेंगे क्लासिफिक।